दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय कुमार और अजय देवगन स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्यवंशी मूवी में अक्षय कुमार और अजय देवगन के अलावा रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ भी मुख्य भूमिका में हैं। अक्षय कुमार और अजय देवगन स्टारर फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक एक्शन मूवी है और इस मूवी का निर्देशन रोहित शेट्टी ने की है। सूर्यवंशी मूवी की बजट की बात करें तो इस मूवी की बजट लगभग 180 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सूर्यवंशी मूवी कोरोना महामारी में भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। सूर्यवंशी मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 करोड़ 29 लाख रुपए की कमाई का ओपनिंग ली थी, जबकि यह मूवी पहले वीक में 120 करोड़ 66 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। अगर बात करें इस मूवी के 13वें दिन यानी रिलीज के दूसरे बुधवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो यह मूवी 13वें दिन यानी रिलीज के दूसरे बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3 करोड़ 77 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही है। तो दोस्तों इस तरह से सूर्यवंशी मूवी का पहले 13 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 163 करोड़ 42 लाख रुपए हो गई है, जबकि इस मूवी का पहले 13 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 193 करोड़ रुपए हो चुकी है। वही अगर बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो सूर्यवंशी मूवी का अब तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 246 करोड़ रुपए हो गई है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी ओवरसीज मार्केट में अब तक 53 करोड़ रुपए का बिजनेस करने में सफल रही है। वही अगर बात करें इस मूवी के 14वें दिन यानी रिलीज के दूसरे गुरुवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार यह मूवी 14वें दिन यानी रिलीज के दूसरे गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सूर्यवंशी मूवी के अब तक के कलेक्शन में आज यानी गुरुवार के दिन का कलेक्शन जोड़ दिया जाए तो सूर्यवंशी मूवी का 14 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 167 करोड़ 22 लाख रुपए हो जाता है। दोस्तों अगर आप सूर्यवंशी मूवी देख चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।